कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे भरमौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कदा द्रक्ष्यामिनन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकं नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमला पतये नमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये वेदकृत वेदवित वेदवेद्य वृंदावन चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल
भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए ऐसी सत्ता, ऐसे प्रमाण की आवश्यकता होती है जो निर्विवाद सत्य हो। ऐसा विनिर्गत ग्रंथ जिसमें मानव के चार दोष नहीं होते, वेद हैं और वेदानुगत शास्त्र हैं, पुराण हैं, इन सब ग्रंथों के आधार पर और लॉजिक से भी आप लोगों को बताया गया कि मैं जिसका हूं वह मेरा है। और जब ये पता चल जाए मैं किसका हूं तो फिर मैं का पता भी चल जाए। तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि एक ब्रह्म है,
उसके दो स्वरूप होते हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। उसकी अनंत शक्तियां हैं, आत्मनि चैवम विचित्राश्च हि। वेदांत कहता है विचित्र शक्तियां हैं उसके पास। विचित्र माने जो मानव बुद्धि में न आ सके, अर्थात वो कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्थ है उन शक्तियों के द्वारा। प्रमुख रूप से उसकी तीन शक्ति है, एक का नाम चित शक्ति या पराशक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया शक्ति, और एक शक्ति का नाम है जीव शक्ति और एक शक्ति का नाम है माया शक्ति। श्री कृष्ण रो अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति नाम। तो अंतरंगा तटस्था बहिरंगा, पराशक्ति अंतरंग शक्ति है, उनकी पर्सनल पावर है। सारी शक्तियों का अध्यक्ष है, गवर्नर है, सारी शक्तियां इसी पराशक्ति के अधीन है। स्वयं भगवान ब्रह्म भी अधीन है, हम आगे बताएंगे कैसे। और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति और तीसरी शक्ति है माया शक्ति। तो माया शक्ति तो जड़ शक्ति है, उसको अभी दूर रखिए, लेकिन दूसरी शक्ति जो है जीव शक्ति, इसके अंश दो है, एक मायाधीन जीव और एक मायातीत जीव। तो इस प्रकार ये दोनों चेतन और सनातन है, किंतु इन दोनों में जो मायाधीन जीव है वो एक दिन हुआ ऐसा नहीं, ये सदा से मायाधीन है। और जो मायातीत जीव है वे सदा से मायातीत हैं, वे कभी माया के अधीन नहीं हुए। यह नियम याद रखिए, अगर आज हम मायातीत हो जाएं तो सदा के लिए हो जाएंगे। तो वे मायातीत जीव एक दिन मायातीत हुए थे ऐसा नहीं, वो सनातन मायातीत हैं, लेकिन वे भी भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं, यानी मायातीत अनंत जीव, मायाधीन अनंत जीव, ये दोनों जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं। और जो पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश है वे स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं, और
समस्त शक्तियां उनके पास होती हैं भगवत्ता वाली, यानी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा ज्ञान वैराग्योच्चैव शरणाम भग इतीर्णा। ये छह ऐश्वर्य जिसमें होती है परिपूर्णतम अनंत मात्रा के, उनको भगवान कहते हैं। तो ये सब के सब भगवान हैं। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च, ये सब भगवान के अवतार हैं और उनके स्वांश हैं। स्वांश कहलाते हैं, स्वा माने अपने अंश। तो जैसे समुद्र का एक बूंद होता है वो नमकीन होता है, उसमें सारे समुद्र के गुण होते हैं। अमृत का एक बूंद अमृत के सारे गुणों से युक्त होता है। तो हम भी हैं तो भगवान के अंश, लेकिन भगवान के गुणों से युक्त नहीं है, क्योंकि पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है। हम स्वांश नहीं है, हम विभिन्न अंश हैं। ये अंतर है। तो स्वांश जो होते हैं वे ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्त अवतार आदि होते हैं, ये सब भी भगवान के अधीन है और जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के दो प्रकार के अंश, मायातीत जीव और मायाधीन जीव, ये भी भगवान के अधीन है। और माया तो जड़ है बिचारी, वो तो अधीन है ही है। इस प्रकार समस्त शक्तियां समस्त अंश भगवान के अधीन है, वो सबका गवर्नर है, संचालक है, नियामक है, शक्तिदाता है। वो अपने लिए नहीं है, वो तो परिपूर्ण है। संसार में कोई राजा होता है तो जो प्रजा होती है वो राजा को सुख देने के लिए होती है। राजा अधूरा है, प्रजा के द्वारा कुछ सुख मिल जाता है। ऐसा भगवान के यहां नहीं है।